हेलो फ्रेंड्स, नेहा अनुज की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे हस्बैंड रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही झटपट बनता है, बहुत आसान है और खाने में बहुत ही ज्यादा यम्मी लगता है। तो चलिए आप शुरू करते हैं मिक्स वेज। मिक्स वेज बनाने की सामग्री: एक बड़ा आलू कटा हुआ, एक मीडियम साइज गाजर कटे हुए, एक छोटा शिमला मिर्च कटा हुआ, 50 ग्राम फ्रेंच बीन्स, 50 ग्राम फूलगोभी कटी हुई, एक बड़ा टमाटर कटा हुआ, 25 ग्राम मटर, 2 इंच अदरक, 10 से 12 कली लहसुन की, एक मीडियम साइज प्याज ऐसे कटा हुआ, 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई, 10 से 12 काजू, 5 बड़े चम्मच मलाई या फ्रेश क्रीम, 5 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल, साबुत जीरा आधा छोटा चम्मच, हल्दी 1/3 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गैस ऑन करता हूँ, कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देता हूँ। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें तेल डालूंगा, ज्यादा तेल ना डालें। अब तेल को थोड़ा गर्म होने दें। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें पहले लहसुन, अदरक, फिर प्याज, हरी मिर्च डाल के थोड़ा ऐसे तेल में फ्राई कर लेते हैं। आधे मिनट के लिए इसे फ्राई कर लें। अब इसमें हम काजू डालेंगे और 1 मिनट और फ्राई करते हैं। जब तक प्याज कर रहे हैं पूरा चेंज हो जाए तब तक मैं ऐसे फ्राई करूँगा। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, प्याज का रंग बदल गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और इसे और थोड़ी देर फ्राई करेंगे जब तक टमाटर गल जाए। फ्लेम मीडियम रखें, टमाटर मेरा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसे ग्राइंडिंग जार में निकाल देता हूं। इसे ब्लेंड करने से पहले एक चीज का ध्यान रखें, जब ये ठंडा हो जाए तभी इसे ब्लेंड करें। तो मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूँ, जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे ब्लेंड कर दूंगा। ये ठंडा हो गया था, हमने इसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया और फाइन पेस्ट बना दिया। अब मैं फिर से इसमें तेल गरम करूंगा, उसे गरम होने के लिए छोड़ देते हैं। तेल गरम हो चुका है, फ्लेम को मीडियम कर दें। अब मैं इसमें आलू, गाजर, बीन्स, फूल गोभी, शिमला मिर्च मैं अभी नहीं डालूंगा, शिमला मिर्च बाद में डालूंगा मैं। अब इसे मैं फ्राई करूंगा 4 से 5 मिनट के लिए। मैं इसे मिड फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट हो गया है, अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल देता हूं, मटर और इसे
अच्छे से मिला देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए फिर से मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है, शिमला मिर्च और मटर हल्का हल्का फ्राई हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेता हूँ। मैंने प्लेट में निकाल दिया है, अब मैं इसे साइड में रख देता हूँ। तो चलिए अब हम दूसरे प्रोसेस के लिए चले। सर तेल डाल देंगे, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। अब हम इसमें हल्दी 1/3 चम्मच तेल में डालेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तेल में हल्दी और लाल मिर्च मैं इसलिए डाल रहा हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें पेस्ट डालूंगा और फिर इसे मैं फ्राई करूंगा। इसे अच्छे से मिला के 2 से 3 मिनट से फ्राई करूंगा मैं। इसे ज़्यादा देर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेस्ट पहले से ही फ्राई किया हुआ था। अब मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और इसे अच्छे से मिला लें। फ्लेम को थोड़ा मीडियम पे रखेंगे। इसे 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ा फ्राई होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। अगर आपका ये मसाला सटे तो इसमें थोड़ा सा पानी आप डाल दीजिए ताकि वो नीचे सट के जले नहीं। अब मैं लो फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए इसे ढक देता हूँ। 2 से 3 मिनट हो गया है, अब मैं जरा चेक कर लूँ। हाँ, मेरा मसाला फ्राई हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, लगभग 200-250 ml तक पानी इसमें डाल देंगे और फिर इसे मिला देंगे अच्छे से। फ्लेम को थोड़ा हाई कर लें ताकि ये ग्रेवी जल्दी गर्म हो जाए। ये गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये सब्जी डालेंगे। सारी सब्जियां को इसमें डाल देता हूँ और फिर इसे मिला दें। अब मैं इसमें नमक डालूंगा जो कि मैंने अभी तक नहीं डाला था। नमक स्वाद अनुसार इसमें डालते हैं। और फिर इसे अच्छे से मिला दें। अब हम इसे सब्जी को पकने तक के लिए मैं इसे लो फ्लेम पे इसे पकाऊंगा लगभग 10 से 12 मिनट। मैं इसे ढक देता हूँ फ्लेम को लो करके। चलिए 10 मिनट हो गया है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इसका खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है, सब्जी अच्छी तरह से पक गए हैं। अब मैं इसमें पनीर डालूंगा। आप चाहें तो पनीर फ्राई करके भी यूज कर सकते हैं लेकिन हमें रॉ पनीर ज्यादा पसंद है इसलिए मैं रॉ पनीर डाल रहा हूँ। क्रीम भी मैं डाल देता हूँ 1 से 2 बड़ी चम्मच और फिर इसे मिला दूंगा मैं अच्छे से। क्रीम अच्छी तरह से ग्रेवी में देखिए मिल चुका है। अब मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देता हूँ और थोड़ा कसूरी मेथी का पत्ता लेके उसे इस तरह हाथ में ऐसे प्रेस कर दें
और फिर इसे इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दें और इसे मिला दें। इसे फिर 2 से 3 मिनट के लिए मैं ढक देता हूँ, फ्लेम को लो ही रहने देंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है, मैं अब देख लेता हूँ उसे। आह क्या खुशबू आ रहा है, वाओ। देखिए ये कितने अच्छे से प्रिपेयर हो गया है हमारा मिक्स वेज। अब मैं गैस को बंद कर देता हूँ। तो मैं नेहा के लिए थोड़ा सा बॉल में निकाल देता हूँ। नेहा आओ जरा टेस्ट करो रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज और बताओ कैसा है, टेस्ट करो पहले। ये बहुत यम्मी है, बहुत बहुत टेस्टी है और जैसा कि आपने देखा बहुत झटपट बन गया है। अगर आपको हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज पसंद आया हो तो इस हमारी रेसिपी को बिल्कुल लाइक करिए, इस पे कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।